जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इतना आसान और सरल उपाय बताती हूँ जिसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, प्रेमी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप बेहद मोहब्बत करते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। यह वशीकरण बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण है, इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता। तो इस विधि का प्रयोग आप सोच समझ कर ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की विधि क्या है। आज की विधि करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 3 लौंग के जोड़े। जी हाँ, आपको 3 लौंग के जोड़े लेने हैं, और ध्यान रहे इनके ऊपर फूल बना हुआ हो, वो साबुत हो, और इन 3 लौंग के जोड़े को अपने सर पे से क्लॉकवाइज घुमाना है। इनको 7 बार आप क्लॉकवाइज घुमाकर इन 3 लौंग को अपने मुंह में रख लें। आंखें बंद करके उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसको आपको वश में करना है। ध्यान इस बात का करना है कि जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का चेहरा आपके मन में दिखने लगे। और इसके बाद हमारे शास्त्री जी द्वारा सिद्ध किया हुआ प्रचंड वशीकरण मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है। तो वो मंत्र है ओम त्रिम त्रिम त्रिम। एक बार दोबारा मैं आपको उस मंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। जी हाँ, आपको उस व्यक्ति को अपने मन में लाकर 3 बार बोलना है ओम त्रिम त्रिम। यह मंत्र को आप 7 बार उच्चारण करें। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो इंसान जिसे आप बे इंतहा मोहब्बत करते हैं वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बातें मानने लगेगा। यह विधि करते वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। इस विधि को करते वक्त आपको कोई देखे ना। जैसे ही आप ये काम करेंगे वो इंसान आपके वश में हो जाएगा और आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आप इस विधि को कर रहे हैं तो इस विधि को करते वक्त किसी भी प्रकार की गलत मंशा अपने मन में ना लाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर गलत इरादे से आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता कभी नहीं मिल पाती। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमसे अपनी परेशानी का इलाज भी करवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी और उसमें आपको एक नई वशीकरण विधि के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।